ड्रग्स मुद्दे को लेकर अघाड़ी सरकार और बीजेपी में घमासान जारी है। इसमें नागपुर वाठोड़ा निवासी सुमित ठक्कर द्वारा ड्रग्स पर ट्वीट करने से मुंबई पुलिस ने ठक्कर के घर दस्तक दी है, तो वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने पुलिस कार्रवाई को प्रशासकीय आतंकवाद बताया है। आइए देखते हैं। ड्रग्स मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार और बीजेपी के बीच लड़ाई अपने चरम पर है। गुजरात के द्वारका में 350 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिलने के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी शासित गुजरात राज्य में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस सारे खेल का केंद्र गुजरात तो नहीं है। ड्रग्स तस्करी को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक जारी है। ऐसे में नागपुर शहर के अंतर्गत आने वाले वाठोड़ा सत सेवा नगर में रहने वाले सुमित ठक्कर ने क्रूज ड्रग्स पर ट्वीट किए जाने से शहर में खलबली मची है। 40,000 करोड़ के ड्रग्स का ट्वीट करते ही मुंबई से ठाणे के पुलिस ने रात को नागपुर आकर सुमित ठक्कर के घर दस्तक दी। इस घटना में सुमित ठक्कर ने किसी जोशी नामक व्यक्ति का सहभाग होने की आशंका जताई। रात 11:30 बजे मुंबई पुलिस पहुंचते ही भाजपा के नेता चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने सुबह कार्रवाई की जाए ऐसा सुमित ठक्कर के बचाव में कहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल सबनी से पत्रकारों ने बातचीत की। बाहर के एजेंसी से कुछ ऑफिसर आए थे, उनको नोटिस सर्व किया है इसके बारे में, और बाकी मैं नहीं बोल सकता मुंबई से। नहीं, हमें भी वो डिटेल मालूम नहीं, नोटिस सर्व करना था, नोटिस सर्व वो उनके ऑफिसर आए थे, उन्होंने सर्व किया है। नोटिस सर्व करने के लिए आए थे, नोटिस सर्व किया है उनको, बस नोटिस सर्व किया है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। सुमित ठक्कर ये कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। इससे पहले भी सुमित ठक्कर द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस सुमित ठक्कर के घर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले रही है। वो पुलिस के बराबर नहीं है, ये तो प्रशासकीय आतंकवाद जैसा है। ऐसी जानकारी बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने मीडिया समक्ष दी है। 7 दिवसाची नोटिस त्यांना दिली आहे की कळवा पोलीस स्टेशनला पोहोचा। तो काही भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता नाही आहे, पण एखादा सोशल मीडियाचा कार्यकर्ता, सोशल ॲक्टिव्हिटीज असेल, तो कुठल्याही पक्षाचा असेल, त्याने जर त्या ठिकाणी योग्य कारवाई करा आणि तात्काळ त्याला अटक करा असं जर म्हटलं असेल तर मला वाटतं याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याची काही स्थिती नाही आहे। पण तरी गुन्हा दाखल झाला आहे, समित ठक्करला 7 दिवसाची नोटीस दिली आहे कळवा पोलीस स्टेशनला हजर होण्याची। ठाणे कळवाचे पोलीस होते, त्यांनी त्यांना नोटीस दिली आहे, त्याचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि गुन्हा दाखल करून त्यांना 7 दिवसाच्या आतमध्ये पोहोचण्यास सांगितलं आहे। असं आहे की सुमित ठक्कर काही भाजपचा कार्यकर्ता नाही आहे, पण तो या देशातल्या राज्यातल्या महत्त्वाच्या विषयावर तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रकरणं उचलत राहतो। आणि जर ते प्रकरणं आता 80 करोडचे ड्रग्स पकडलं हे खरं आहे, द्वारकामध्ये पकडलं खरं आहे, दोषी नावाचा व्यक्ती पण त्याच्यामध्ये आहे हे खरं आहे, त्याने त्याबद्दल टाकलेलं आहे, तर मग जर एखादा व्यक्ती चांगलं काम करत असेल त्याच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे। इस पूरे घटना को देखते हुए पुलिस ने 7 दिनों का नोटिस सुमित ठक्कर को जारी किया है। लेकिन रात को आकर इस प्रकरण को ग्लैमराइज करना और सभ्य नागरिकों को तकलीफ देना, इस सोसाइटी में सिर्फ सुमित ठक्कर जी रहते क्या? सोसाइटी में बहुत सारे नागरिक रहते, फिर इसकी गाड़ी चेक करो, उसकी गाड़ी चेक करो, आप दबाव किस पर बना रहे? और ऐसे सारे अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता के साथ कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन एक अच्छा एक्टिविस्ट है, एक आध बार भाजपा के खिलाफ भी उसने ट्वीट किया होगा, लेकिन इस देश में बाकी सबको उसका बात कहने की ये है अनुमति है, सिर्फ सुमित ठक्कर को नहीं है, ये उचित बात नहीं है। इसलिए पुलिस ने, हमारा कहना है पुलिस ने कायदे अंतर्गत कार्रवाई करनी ही चाहिए, हम उसके बीच में नहीं आएंगे, लेकिन किसी घर रात को 11:30-12 बजे पहुंचना, उसके घर के सामने रात भर पुलिस रखना, ये उचित बात नहीं, ऐसा हमारा कहना। यदि सुमित ठक्कर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है तो उसके बचाव में चंद्रशेखर बावनकुले और प्रवीण धटके क्यों आ रहे हैं? ऐसी चर्चा भी जोरों पर थी। धुआं वहीं उठता है जहां अंगार लगी हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, BCN News नागपुर।